बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको चटपटी बोनलेस फिश बनाना बताती हूँ जिसे हम फ्राई करेंगे। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस फिश ले ली है, इसे इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसके बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले आधी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसमें तकरीबन आधी चम्मच ही पीसा हुआ धनिया मैं डालूंगी। ये रोस्ट करके मैंने पीसा है धनिया। ये करने के बाद तकरीबन आधी चम्मच जितना कुटी हुई लाल मिर्च है, ये छोटी एक चम्मच, ये डाल देंगे इसके अंदर। इसके बाद इसमें मैं एक चम्मच जितना पापड़िका डालूंगी। ये डालने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी प्याली कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर डाल देंगे इसमें। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद यहाँ एक छोटी प्याली मैदा है, ये मैदा भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये मेरे पास एक अंडा है, लेकिन हम एक नहीं डालेंगे, हम इसमें आधा अंडा डालेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा ऐसे सोगी नहीं करना, इसलिए इसमें हाफ में अंडा डाल दूँगी। इसके बाद हस्ब ज़ायका जितना हम नमक पसंद करते हैं नमक शामिल कर दें। ये करने के बाद ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। और जब ये अच्छे से मैरिनेट हो जाता है फिर मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखें, हमारी फ़िश एकदम मैरिनेट हो गई है। अब यहाँ पर मेरे पास सेसमी सीड है, जिसे हम तिल भी कहते हैं। अभी हम एक फ़िश उठा के या तो अब इस तरह से इसके ऊपर इसको कोट कर लें तिल के ऊपर इस तरह से, और इसको फ्राई करने रख दें, या फिर आप इस तरह से एक एक फिश उठाएं और इसके ऊपर यहाँ पर इतने, अगर आपको बहुत ज़्यादा तिल नहीं चाहिए और हल्के हल्के चाहिए तो अब इस तरह से इसको कोट कर लें तिल में, और इस तरह से करें जिस तरह से आपको करना आपकी मर्जी है, और इसे फ्राई करने के लिए इस तरह से रख दें। ये देखें, हमारी फिश बिल्कुल रेडी है। हम इसे निकालते हैं और फिर इसे सर्व करके बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारी बोनलेस फ्राई फिश बिल्कुल रेडी है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनी है। इस रमज़ान में ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम भी, इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, इसे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।